गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्या कहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। यानी इस इक्वेशन जो दी हुई है इसको सॉल्व करना। सॉल्व मीन्स एक्स का वैल्यू निकालना वेरिएबल का, और जब वैल्यू आ जाएगी तो इसी इक्वेशन में LHS में और RHS में रखेंगे वैल्यू, और फिर ये वेरीफाई करेंगे कि दोनों इक्वल आ रही है या नहीं। अगर इक्वल आ जाती है तो हमारा रिजल्ट जो है, जो हमने एक्स का वैल्यू निकाला, वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, देखिए पहले ये बोडमास के रूल से पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 8x प्लस 4 इजकल टू 3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 3, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, इस प्लस 7। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ ले लेंगे वेरिएबल को और नंबर्स को एक तरफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी 8x माइनस 3x, 3x इधर से जब इधर आएगा ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ बचा माइनस 3 प्लस 7, और ये 4 को ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस 4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 8 माइनस 3x कितना बचेगा बच्चों, 5x। और यहाँ देखिए 7 में से 4 जब जाएगा तो कितना बचेगा, इन दोनों को सॉल्व किया मैंने अभी, तो 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका प्लस का 3 बचा। अब प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा आपका, 0 बचा, और यहाँ 5x इजकल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से x इजकल टू 0 अपॉन 5, 5 को नीचे ट्रांसफ़र किया तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो आप, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर आपको मिल गया दिस इम्प्लाइज x इजक्ल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 आ गया। अब आपको इसको चेक करना है, तो इसको चेक कर रहे हैं बच्चों। तो चेक करने के लिए यहाँ पर पुटिंग x इजक्ल टू 0 इन इक्वेशन, है ना। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है बच्चों, इक्वेशन है आपके पास 8x प्लस 4 इजकल टू 3 एक्स माइनस 1 प्लस 7। इसमें वैल्यू पुट किया आपने x की प्लेस पर 0, और यहाँ 3 0 माइनस 1 प्लस 7। तो देखिए 8 इंटू 0 तो ये तो 0 हो गया प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा 3, और 0 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 ही बचेगा। तो यहाँ से अगली स्टेप में मिल गया, यहाँ तो 4 हो गया, इधर 3 और इधर माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है। तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4। ये 3 7 में से माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, प्लस की बड़ी संख्या तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ से LHS इजकल टू RHS आ गया, LHS इजकल टू RHS, और हम क्या लिख देंगे, हैंस इट इज वेरीफाइड, है ना। तो हमने जो रिजल्ट आया उसको हमने चेक किया, और क्या पाया कि जो हमारा रिजल्ट है वो करेक्ट है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। क्या करना था, पहले x का वैल्यू निकालना है, फिर x का वैल्यू LHS और RHS में रखना है। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो बराबर आ गए हमारे, इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ पर चेक हुआ और करेक्ट है हमारा रिजल्ट। तो ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं, एक्सरसाइज 2.3 चल रही है हमारी। क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो यहाँ पर ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है बच्चों। इसको लीनियर इसलिए चूंकि x की पावर 1 है और 1 वेरिएबल है, तो आपको इस 1 वेरिएबल जो कि x है इसका वैल्यू निकालना, और फिर वापस इसको चेक भी करना है, यानी LHS और RHS में वैल्यू रखना है और दोनों इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को हम ऐसा, ये जो 5 है ये इस 4 का इस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें,
और ये 5 डिनोमिनेटर है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 × x + 10, इस 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके नीचे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 5 इधर जाएगा और 1 इधर गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x, है ना, और ये 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एज इट इज़ 4x + 10, है ना। यहाँ से अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो यहाँ से 5x = 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 40। अब x को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं वेरिएबल को, तो 5x - 4x = 40। तो 5 में से 4x गया तो कितना बचा, x = 40। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी वेरिएबल का वैल्यू क्या आ गया, x = 40। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इसको चेक भी करिए, तो टू चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जो वैल्यू दी हुई है पुटिंग x = 40 इन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन दिया है x = 4/5 x + 10। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो LHS और RHS दोनों में वैल्यू रख रहे थे, यहाँ पर रखा आपने 40 और इधर 4/5 और यहाँ भी रखा आपने 40 और ये 10 एज इट इज, तो ये 40 ऐसा ही है, इधर 4/5 और ब्रैकेट में 40 + 10 कितना हो गया 50, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है तो ये 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा। तो 40 = 4 × कितना बचा 10, तो 40 = 40। तो यहाँ से क्या मिल गया बच्चों हमको, LHS = RHS। तो एक लाइन और लिख देना है लास्ट में, हैंस इट इज वेरीफाइड। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। करना क्या था आपको, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है पहले, फिर वैल्यू निकालने के बाद दोनों तरफ LHS और RHS में वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह पर जो आया वैल्यू, तो LHS और RHS का अगर लास्ट में दोनों इक्वल आ जाते हैं LHS और RHS तो आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा, मीन्स आपका रिजल्ट वो करेक्ट है। ओके थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 से, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व करे सेम वही पैटर्न है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पहले आपको और आपके रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, वेरिएबल एक्स का जो मान आएगा उसको निकाल कर फिर LHS में भी मान रखना है, RHS में दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हमारा जो रिजल्ट है वो करेक्ट होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल है LHS और RHS में उनको एक तरफ ले लेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ, तो तो यहाँ पर क्या किया मैंने 2x/3 और 7x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 एज इट इज़ है और ये 1 उधर जा रहा है तो 1 प्लस का है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 का टेबल बोलते तो 15 आता है, तो 3 और 15 का अगर LCM लेंगे तो 15 ही आएगा, अगर ये टेबल इसमें आता है 15 में तो LCM भी 15 आता है, आप LCM 6 क्लास से जानते हैं, इधर साइड में लेकर आप देख लेना तो 15 आ जाएगा LCM है। अब 3 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 × 5 = 15, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2x × 5 - 15 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 7x = 1 और यहाँ बचा आपका 2 बच्चों, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 × 10 - 7x / 15 = 2, तो 10 में से 7 अगर अपन
यहाँ पर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 3x/15 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये 3 से 15 भी कैंसिल हो रहा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर आ गया आपका अगली स्टेप में x क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 से 15 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो यहाँ से x/5 इज इक्वल टू 2। तो इसको 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, 5 इधर चला जाएगा 1 इधर आएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या मिल गया बच्चों हमको, यहाँ से मिला हमको x इज इक्वल टू 5 × 10। तो ये x का वैल्यू आपका कितना आ गया इस क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 10 आपका आंसर आया। अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए जो इक्वेशन दी हुई है आपको 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 10 बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 × 10, x की प्लेस पर 10 रख रहे हैं बच्चों, बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 7 × 10/15 + 3। तो यहाँ से क्या मिला आपको, ये हो गया 20/3 + 1, और यहाँ 70/15 + 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अगर आप चाहें तो इसको 5 से कैंसिल भी कर सकते थे इसको, और नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तब भी आ जाएगा। देखो 5 से कैंसिल किया तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहीं पे कैंसिल कर देते, 5 × 10, 5 × 3 = 15, तो 7 × 14, तो ऊपर आपको बचा 14 और नीचे बचा 3। तो यानी ये वाली जो स्टेप है वो क्या है, 14/3 + 3 है RHS में और LHS में। अब इसको भी LCM लेंगे, इसको भी LCM लेंगे, तो यहाँ पर LCM कितना आ गया, 3 × 3, और यह हो जाएगा 20, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3, इधर भी LCM लिया तो 3 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया 14, 3 × 3 = 9। तो ये हो गया बच्चों आपका 20/3 = 14 + 9, ये भी हो गया 23/3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है बच्चों, LHS = RHS। तो लास्ट में एक लाइन और लिख दें अब हम, आंसर इट इज वेरीफाइड, यानी हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो हमने क्या किया देखिए, इस क्वेश्चन में हमने जो इक्वेशन दी हुई है उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला, और x का जो वैल्यू आया फिर से LHS और RHS में रखा हमने, और LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, इसलिए ये क्वेश्चन जो दिया था उसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वेरीफाइड कर लिया। और इसको दोबारा आप देख लीजिएगा एक बार और वीडियो को, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।